हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरपित कुमार शर्मा और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है 100% टाइल में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग एमबीबीएस के कॉलेजेस जो हैं वो कवर कर रहे हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं एक और कॉलेज विच इज ईएसआई पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च चेन्नई तमिलनाडु। तो भाई साहब, इस कॉलेज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस कॉलेज के कट ऑफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कई स्टूडेंट्स जो पूछते हैं यार कि सर मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए लेकिन इसका कट ऑफ मुझे नहीं पता पड़ रहा, वो वाला कॉलेज चाहिए लेकिन मैं कैसे लूँ, कौन सी रैंक पे लूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो आप लोगों को देने वाले हैं। ये है 2020 का कट ऑफ भाई साहब और इससे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ मारेंगे 2021 का। अगर आपके सामने ये चुनौती आती है तो आप इसको क्लियर कर पाएंगे या नहीं, थोड़ा सा अंदाजा इसका लगाएंगे। तो चार कैटेगरीज होती है भैया, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की बात करें तो यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर 6743 पर ये खुलता है एंड 7490 पर ये बंद हो जाता है, यानी कि बंद हो गया था 2020 में। तो अगर आप लोग ये कॉलेज लेना चाहते हैं जनरल कैटेगरी में तो इसके आसपास या इसके बीच में आप लोगों की रैंक होनी चाहिए, तब जाकर आपको इस कॉलेज को मिलने के कुछ चांसेस बन पाएंगे। अगर हम बात करें यहां पर ओबीसी की, 7846 पर खुलकर 9186 पर जो है ये बंद हो चुका है, विच मीन्स इसके आसपास या इसके बीच में अगर आप लोगों की रैंक आती है ओबीसी कैटेगरी में तो आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर हम बात करें यहां पर एससी कैटेगरी की तो 31645 से शुरू होकर ये 54276 पर गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों की रैंक जो है एससी कैटेगरी में ये या इसके बीच में है तो भी आपको ये कॉलेज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये 54,000 को यहीं डाल दें अपन तो इसके बाद से लेकर 78913 तक की रैंक के बीच में एसटी कैटेगरी में ये कॉलेज मिल चुका है लोगों को। तो अगर आप लोगों को ये कॉलेज एसटी कैटेगरी में चाहिए तो भाई साहब यहां से लेकर यहां तक के बीच में अगर आप लोगों की रैंक आती है तो आपको ये कॉलेज मिलने की संभावना है, जो वो बढ़ जाती है, बन जाती है, मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है, एजम्पशन है। और इसके अलावा यू नो और भी कैटेगरीज होती हैं विच इज फिजिकली हैंडीकैप्ड और सैनिक कोटा और फ्रीडम फाइटर। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं तो फिजिकली हैंडीकैप्ड, सैनिक कोटा और फ्रीडम फाइटर के अंदर सीट्स जो है लिमिटेड होती हैं और जो बच्चा उस सीट को जिस रैंक पर पकड़ लेता है, यू नो, ले लेता है, ऑनलाइन काउंसलिंग में भर देता है और उसको मिल जाती है, तो वही वाली रैंक जो है वो इन सीट्स की हो जाती है। और इसीलिए इन सीट्स के लिए रैंक का प्रेडिक्शन लगाना नामुमकिन है, आप लगा ही नहीं सकते किस रैंक पर जाएगा ये। अगर इसके अलावा आप लोगों को भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मुझे क्या करना चाहिए आगे जाकर, आपके पास रैंक आ गई है, आपके पास नंबर्स आ गए हैं, आपके पास प्रोफाइल आपकी तैयार है, आपको पता है कि यार मुझे किसी कॉलेज में तो जाना है लेकिन कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये वाला कॉलेज अगर मैं टारगेट करना चाहता हूं तो ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डाला हुआ है, पीएएफ जिसे हम बोलते हैं। तो वो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म जो है वो आप देख सकते हैं, उसको देखकर आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर सकते हैं और उसको भरने के बाद आपका जो भी प्रोफाइल एनालिसिस होगा हमारे काउंसलर्स जो है वो आपको कॉल बैक करेंगे और आपसे कॉल कर बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भाई साहब हमारा नंबर भी आप लोगों को दिख जाएगा जहां पर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप लोग हमें कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भविष्य बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोगों का करियर बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए उसके साथ खिलवाड़ ना करें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें, एक्सपर्ट्स से पूछें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं आपकी मदद करने का और यहाँ पर आते रहते हैं ऑनलाइन टाइम टू टाइम ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो लोग यू नो हेल्प कर सकें और आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा चेक करेंगे आप तो ज्यादा से ज्यादा फायदा आप ही को होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। Apart from that, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो या जानकारी चाहिए हो तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए जानकारी जो है वो और ज्यादा बना दूंगा, नया वीडियो बनाकर ले आऊंगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, मेरा नाम था अर्पित, था नहीं, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 100% टाइल। इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लव यू ऑल, टेक केयर एंड हास्ता ला विस्ता।